बड़ी खबर है, युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। वो बोल रहे हैं हम जीत की राह पर हैं। जेलेंस्की किस आधार पर ये दावे कर रहे हैं? युद्ध के टर्निंग प्वाइंट तक पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से ये बयान सामने दिया गया है। वो कह रहे हैं टर्निंग प्वाइंट के बीच है। उनका ये कहना है कि हम जीत की कगार पर हैं। ये जीत का रास्ता कैसे तय करेंगे? राजेश, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो दावा कर रहे हैं, कितना दम दिखाई दे रहा है उनके दावे में? देखिए, इन शब्दों को हमें सिर्फ इनको लिटरल मीनिंग में नहीं लेना चाहिए। इनका जो अर्थ है उसको हिसाब से नहीं लेना चाहिए। जो ये उन्होंने बोला है, इसका अर्थ जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, जो एक दूसरे पर दबाव बनने का वॉरफेयर चल रहा है, ये उसका एक हिस्सा है। अपने सैनिकों का जो इस वक्त रूसी सेना से लगातार लड़ रहे हैं, मिलिशिया का जो दिन रात लगे हुए हैं सिविलियंस की मदद करने में, इंटरनल पॉइंट्स को सिक्योर करने में, उनका मनोबल बरकरार रखने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। जहां तक मिलिट्री सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको भी बताया, वहां लगातार यूक्रेनियन सेना को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और रूसी सेना लगातार इस वक्त आगे बढ़ रही है हर फ्रंट के ऊपर। तो ये अपने आप में सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक टूल है जिसका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की इस वक्त कर रहे हैं। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया राजेश, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। राजेश पवार।